नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज जुलाई का 21 तारीख है और संडे अपडेट का वीडियो शुरू करते हैं खूबसूरत से पर्सलिन फ्लावर के साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितनी सारे मधुमक्खी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में होते हैं। और अभी दोस्तों जुलाई का 21 तारीख हो गया है, तो और बस कुछ दिन में अगस्त आ जाएगा। तो अभी चारों ओर बारिश ही बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो रोज़ ही बारिश होती है। तो इस तरह से इतने दोस्तों बारिश में प्लांट्स कुछ खूबसूरत से हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एस्पराइगस के प्लांट्स हैं और यहाँ पर देखिए ये मधुमालती। मधुमालती की प्रूनिंग के बाद ये इतने सारे फ्लावरिंग अभी हो रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, थलपदा। थलपदा की कटिंग मैंने लगाई थी तो ये चल गई है और न्यू लीव्स भी इतनी स्टार्ट हो गई है आना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मैक्सिकन पिटूनिया। और मैक्सिकन पिटूनिया में भी अभी देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी तरह से हो रही है। और यहाँ पर एक साइप्रस वाइन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे अनार का प्लांट था जो खराब हो गया था पानी ना देने के वजह से। तो इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर कॉस्मोस लगे हैं। ये सारे जो कॉस्मोस हैं बहुत ही हेल्दी हैं, पर इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये समर सीजन का इतना फ्लावरिंग प्लांट है तो शायद इसलिए इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। पर प्लांट्स बहुत अच्छे हैं और इनको मैंने रखा है इसलिए कि इनकी कटिंग लगाकर मैं फिर से प्लांट इनकी बना सकूं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है इरांथेमम की एक वैरायटी यहाँ पर। और यहाँ पर ये गलाडिया, ये देखिए गलाडिया में एक फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेविल्स बैकबोन। और ये सारे जो प्लांट्स हैं अभी हेल्दी हो गए हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये बल्लेरिया क्रिस्टाटा है। और ये सारे जो प्लांट्स हैं ये इतने नवंबर तक इनमें फ्लावरिंग आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मिर्च का प्लांट, इनमें एक मिर्च होकर, ये एक कूड़े में उगा हुआ था तो मैं उसको लाकर इसमें लगा ली हूँ। तो इसको थोड़े से बड़े पॉट में लगा दूंगी तो इनमें और भी फ्रूटिंग होगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है लांटाना। लांटाना में भी अभी कलियाँ आ रही हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर कॉक्सकॉम, यहाँ पर देखिए पीछे क्रैनबेरी हिबिस्कस। क्रैनबेरी हिबिस्कस में तो अभी फ्लावरिंग नहीं होती है, बस इनकी जो लीव्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसलिए मैंने इनको रखा है इस तरह से। और न्यू न्यू जो बेबी प्लांट्स आते हैं उनमें अभी बस ये देखिए एक बेबी प्लांट है और यहाँ पर एक देखिए बेबी प्लांट है, तो इनको अभी बचा कर रखना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे टिकोमा यहाँ पर लगे हुए हैं। टिकोमा की कटिंग कर दी थी और ये वाला टिकोमा अभी छोड़ा हुआ है तो इसको, इस पर मुझे काम करने हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए मोगरा का प्लांट है और ये अरेबियन मोगरा है जिसको अरेबियन जैस्मिन या फिर ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी बोलते हैं। और ये कटिंग से तैयार है, ये देखिए पॉलीबैग में लगा हुआ है और दो फूल इनमें खिले हैं। और बहुत सारे फूल अभी खिलने के बाद, ये देखिए थोड़े से अभी रेस्ट में हैं, अभी इनमें एक ही फूल खिला है। तो जैस्मिन के मेरे पास चार वेराइटीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है कनेर का प्लांट। कनेर में भी अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और ये वाला प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी है बिल्कुल। और यहाँ से देखिए, ये सारे न्यू न्यू अभी निकल रहे हैं। तो बहुत लंबा हो गया था प्लांट तो इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है। और इसमें भी ये सिंगल पेटल वाला है और इनमें भी कलियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हार श्रृंगार का प्लांट है। और यहाँ पर ये फुरुश में देखिए, यहाँ पर इसमें कलियाँ आ रही हैं। ये देखिए, ये सारे अभी फूल खिल चुके हैं ऊपर से। तो और ये बोगनवेलिया, बोगनवेलिया में भी फ्लावरिंग होने के बाद मैंने प्रूनिंग कर दी थी। तो प्रूनिंग के बाद ये थोड़ा सा इस तरह से रिजल्ट है इसका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है सेवंती का प्लांट। अभी दोस्तों सेवंती लगाने का टाइम आ गया है तो मैं भी शुरू कर दूँगी इनको लगाना अभी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे कोलियस है, कोलियस। और यहाँ पर ये गुलाब है, ये सारे गुलाब हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इनमें अभी
प्रूनिंग भी की है और ये सारे कलियाँ ख़राब हो रहे हैं, इनको भी मैं प्रूनिंग कर दूँगी, और क्योंकि अभी मुझे प्लांट हेल्दी चाहिए। और यहाँ पर कुछ विन का, और यहाँ पर देखिए दोस्तों पान का प्लांट, पान में भी अभी अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्बल क्वीन पोथोस, और यहाँ पर भी एक है, और इसमें दोस्तों एक सकुलेंट लगा कर रखी थी सिडम, तो ये ख़राब हो गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो फिटूनिया का प्लांट है, ये भी ओवर वाटरिंग से इतने ख़राब हो गए हैं। और ये वाला देखिए दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया। ये देखिए, इसको मैंने पानी इनमें बहुत ज़्यादा हो गया था, और इनको बारिश के पानी से बचाना होता है, और मैंने इनकी देखभाल नहीं की है, तो ये बिल्कुल 2 दिन में ही ख़राब हो गए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है मंडेविला, मंडेविला में बस अभी यही एक कलर ही मेरे पास बचा हुआ है, वाइट और रेड ख़राब हो गए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है जेट प्लांट, जेट प्लांट भी मेरे इस तरह खुली छत पर ही हैं, पर इनमें पानी नहीं रुकता इसलिए ये अच्छे ही हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रबर प्लांट, रबर प्लांट में भी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, तो इनको भी मुझे कट करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लव, फर्स्ट लव में अभी देखिए फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी ये मेरीगोल्ड के, इसमें भी अभी कलियाँ आ गई हैं। और ये देखिए इनमें बेबी सनरोज लगा हुआ था, और बेबी सनरोज सारे के सारे ख़राब हो गए, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इनको भी मैं बारिश का पानी बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इनको भी बचाकर कटिंग लगाकर अभी रख लेना चाहिए। और यहाँ पर ये फुटबॉल लिली और एमरस लिली की कुछ बल्ब्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है थलपदा, पहले जो मैंने दिखाई थी यहाँ से कट करके लगाई थी, और ये देखिए इस तरह से, और ये वाला हिस्सा भी बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेक्सिकन हैदर, और ये इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रहा है अभी। और यहाँ पर लोरोपेटलम, ये देखिए लोरोपेटलम की प्लांट तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनकी लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर ये कृष्ण तमाल, इनमें अभी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है, बहुत सारे फ्लोर फूल खिलने के बाद ये ख़त्म हो गए हैं, और मुझे लगता है कुछ कीड़े हो रहे हैं शायद, जो खा रहे हैं इनकी कलियाँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है आलमंडा, आलमंडा की मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए ये एक वैरायटी है, और यहाँ पर ये डार्क वैरायटी है, और यहाँ पर जो ये वाले हैं ये पिंक कलर के हैं, जो इनमें अभी के फूल नहीं हैं, और एक गुच्छे वाला होता है येलो, तो अभी वो ख़त्म हो गए हैं खिल के। और यहाँ देखिए दोस्तों कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम शायद अभी ये स्पेंट हो रहे हैं, तो इनको मैं सभी अभी हटा दूंगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्लीडिंग हार्ट, और एक गमला ब्लीडिंग हार्ट की मैंने बाहर निकाल कर रखी हुई है उनको थोड़े से सपोर्ट देने के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला गमला भी गिरा हुआ है, ये देखिए ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये नीचे से जो ब्रांच आई है बहुत हेल्दी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ड्रेसिना, और सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक ड्रेसिना की वैरायटी ही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वडेलिया है, और यहाँ पर ये देखिए ये है छुई मुई, और इस तरह से यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिए ये क्रोटोन्स के प्लांट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एडेनियम की सीडलिंग्स हैं यहाँ पर कुछ, और ये देखिए दोस्तों कलांचो, कलांचो को भी अभी इतने बिल्कुल भी रेन वाटर नहीं चाहिए होता है, पर मेरे तो यहीं पर हैं, देखती हूँ कहीं और दूसरे जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मेरे सारे जो कलांचो के प्लांट्स हैं ये ख़राब फिर हो जाएंगे। और बहुत मुश्किल से मैंने इनको कलेक्ट किया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है पॉर्चुला का, पॉर्चुला का में भी फ्लावरिंग हो रही है, पर बहुत सारे स्पेंट फ्लावर भी हैं, तो मैं इनको कट करूंगी अभी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है हिबिस्कस, ये देखिए हिबिस्कस में भी अभी फ्लावरिंग हो रही है, और इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, और ये पर्सलिन इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाले हिबिस्कस, पंचमुखी का हिबिस्कस आज 2 खिले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी देसी हिबिस्कस खिले हैं,
और दोस्तों अभी इतने 9 बज रहे हैं और 9 बजने के कितनी ज़्यादा धूप हो रही है अभी अभी बिल्कुल वेदर अलग था, अभी फिर से धूप, कभी बारिश कभी धूप, इस तरह से अभी हमारे वेदर हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पर्पल कलर का हिबिस्कस है और ये देखिए दोस्तों, ये है सारे जो जरबेरा थे, मैंने इनको लगाए हैं यहाँ पर, 4 पॉट और किया है। और ये वाला, ये पिछले वाला, ये पिच कलर का है और ये वाला एक पुराना वाला है। तो अभी दोस्तों कैटरपिलर हो गए हैं यहाँ पर, मैंने अभी एक देखा है, ये देखिए दोस्तों कैटरपिलर, ये प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और अगर हाथ में एक बार लग जाते हैं तो आपकी खैर नहीं। फिर ये देखिए, ये वाले बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो अभी इनमें रोगर की स्प्रे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, केले का एक निकला है अभी, और यहाँ पर कुछ विनका है, ये देखिए विनका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मिट्टी मैंने संभाल कर रखा हुआ था, ये टब थोड़ा सा फटा हुआ है तो इनमें मैंने मिट्टी भर कर रख दिया ताकि ये पानी से बह ना जाए। पर देखिए इनमें कितनी सारे तुलसी के प्लांट्स उगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स उगे हुए हैं और एक दो टरेनिया भी उगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोरिनिया प्लांट्स भी उगे हुए हैं। तो इस तरह से फ्री के प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगाई थी ये पुदीना का प्लांट, और देखिए कितनी ज़्यादा इनमें भूमि अम्ला हुआ है और इनको क्या करें, देखिए कितनी ज़्यादा, ये देखिए कितनी ज़्यादा उगे हुए हैं भूमि अम्ला। और इनमें भी एक तुलसी का प्लांट उगा हुआ है यहाँ पर देखिए, और ये सारे जो वेस्ट होते हैं ना, इन्हीं में मैंने लगा लिया था और बहुत हेल्दी हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोरिनिया और ये सारे जो पैकेट्स हैं, इनमें मैं कूड़ा रखती हूँ। और ये कूड़े में देखिए, ये गोमफेरना के प्लांट्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गोमफेरना के प्लांट्स हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपराजिता, अपराजिता में भी अभी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, प्रूनिंग कर दी थी तो प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट है ये। और यहाँ पर कनेर का प्लांट्स थे, कनेर में भी अभी प्रूनिंग कर दी थी, बहुत लंबे लंबे हो गए थे, ये भी प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बर्लेरिया क्रिस्टाटा उगा है, पर ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा तो इसको निकाल दूंगी मैं। और ये देखिए, ये है अबोली क्रोसेंड्रा, इसकी भी ग्रोथ अभी बहुत बढ़िया से हो गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट आप देख सकते हैं, एक छोटे से मटके में लगा हुआ है और कितनी खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इनको छोटे छोटे पॉट में लगाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, नहीं तो बड़े पॉट में लगा देने से ये ख़राब हो जाते हैं। ये नींबू का प्लांट है, अभी तक एक भी नींबू नहीं खिला, मतलब एक फूल भी नहीं खिला है, और फल तो दूर की बात है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, और ये देखिए ये सारे मेरे फ्री के प्लांट्स हैं, मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिनिएचर एक्जरा है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए ये वाला एक्जरा एक कलर है, एक्जरा के कई सारे कलर्स हैं मेरे पास, करीबन 7-8 कलर है और वेराइटीज़ भी हैं अलग अलग, येलो में ही 3 वेराइटीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक है। और बारिश से देखिए दोस्तों, कितने पानी यहाँ पर जमा हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है रजनीगंधा ट्यूबरोस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और गुच्छे वाला जो रजनीगंधा होता है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर वो मेरे पास अभी नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुंदा, कुंदा में भी अभी कलियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर कॉक्सकम, कॉक्सकम बहुत ही खूबसूरत अभी लगते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मल्टीपेटल वाला चांदनी है, और यहाँ पर कुछ एडेनियम्स रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीडलिंग्स, ये नीचे से अभी रूट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं अभी ये प्लांट, मैंने तो कभी कई गिफ्ट भी कर दिए हैं। और फिर भी बहुत सारे एडेनियम इस साल मेरे पास है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी एक चांदनी का प्लांट है, और ये वाले चांदनी डबल पेटल का चांदनी है, और इनको मैंने अभी प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ पर ये
बेगम बहार है और इनको थोड़ा सा कम धूप चाहिए होती है, तो मैंने इनको छुपा कर रखा हुआ है। और ये सारे जो कटिंग्स लगाई थी, मैं एक वीडियो भी शेयर किया था, तो ये सारे भी जो, ये देखिए, ये नागचंपा का प्लांट है, ये भी चल गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइकस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों अभी, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और क्योंकि ये इसको मैंने थोड़ा चुरा के लेके आई थी, कभी कभी चोरी भी करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है कनेर, ये भी अलग कलर का कनेर है। और यहाँ पर देखिए डेबल्स बैकबोन, इसकी भी मैंने प्रूनिंग करके कटिंग लगाई थी, तो ये भी अच्छे से चल गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलमंडा में भी बूस अलमंडा बहुत सारे फूल खिल चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में इसकी भी प्रूनिंग कर दूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जेट्रोफा प्लांट बहुत लंबा हो गया है। और इधर इस तरफ सारे टॉरिनिया, ये देखिए, और बालसम की कटिंग लगाई थी, ये देखिए बालसम कटिंग से बहुत बढ़िया से ग्रो हुए हैं। और ये सारे यहाँ पर भी कटिंग कुछ लगे हुए हैं। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है कैलेडियम। कैलेडियम में भी बहुत बढ़िया से अभी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर ये वेरीगेटेड रियो, ये नॉन वेरीगेटेड रियो। यहाँ पर कुछ सिंगोनियम्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ अपराजिता लगे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉक्सकॉम दो निकले हैं, और कितनी हेल्दी हुए हैं, तो इनको मैं नहीं हटा रही हूँ। ये वाला देखिए सिंगोनियम, बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम। यहाँ पर चंपा में भी फ्लावरिंग बाकी है। तो दोस्तों, इस तरह से मेरे प्लांट्स अभी चल रहे हैं गार्डन में और बारिश के मौसम में। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, फिर किसी नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।